अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ हम गार्लिक की जो हार्वेस्टिंग हो रही है उसकी वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, ये दिखाते हैं आपको कि ये देखें जी, ये रंबी है और इस रंबी के साथ इसको आपने जमीन से निकालना है। ये देखें, ये इस हालत में ये थोम है, अभी इतना इतना ये बना है और ये इसी तरह से ही मार्केट के अंदर सेल हो जाएगा। ये देखें जी, ये तरीकेकार है इसको निकालने का। ये देखें जी, इस तरह से इसको हमने जमीन से निकालते जाना है। और अभी ये भाई जो हैं ये मेरे साथ बैठे हुए हैं जो कि मंडी के अंदर इसको सेल करते हैं। जी भाई जान, जरा दसो है साढ़े व्यूवर्स नू, है जरा कैमरे वाले जरा अख तको कि जी है तुसी इतो इनू दो दो करके क्यों बन रहे हो? ये देखें जी, ये जो जितना लहसुन, ये देखें, ये जो लहसुन है ये दो दो की इन्होंने, ये जॉइंट जो है ना ये दो दो का कर रहे हैं। ये देखें सारे का सारा इसी तरह बांध रहे हैं दो दो का। तो ये हमारे व्यूवर्स को जरा बताएंगे ये दो दो क्यों बांध रहे हैं? जैसे सेल होता है वैसे ही हम इसे दो दो करके बांधते हैं, ऐसे ही सेल होता है। जब ज्यादा करेंगे तो फिर हम कीमत बढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये सेल इस तरह से यानी कि इजीली हो जाता है? इजीली हो जाता। तो ये जो है ये जिस तरह ये दो हैं, ये मार्केट के अंदर कितने का आप सेल कर रहे हैं? साढ़े तीन सौ का का ये है। ये जी हाँ जी, ये देखें जी, ये है दो जो है गार्लिक, ये अगर आप इन्होंने जो जाके सेल करना है मंडी के अंदर, ये 6 रुपए के दो सेल हो रहे हैं, ये वाले भी 6 रुपए। और अगर इसकी बात इकट्ठा करेंगे, हाँ, यानी कि इकट्ठा करेंगे तो फिर ये 100 इसको इकट्ठा करेंगे, ये एक ठीक है इस तरह से, यानी आप 100 ये इकट्ठे करेंगे फिर ये कितने का सेल होगा? ये 600 का। 600 का यानी 100 इसको 100 का ये बंडल बांधेंगे और ये 100 रुपए 600 रुपए का सेल होगा। इट मीन्स के 100 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आप सफाई करेंगे, पानी में धोएंगे, इसकी सफाई करेंगे, फिर ये अभी सफाई भी करनी है आपने इसकी। तो ये व्यूअर्स है, इसकी अभी सफाई होनी है, पानी के साथ इन्होंने इसको सेल भी करना है। तो ये जो ये भाई जितने लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसकी मजदूरी क्या है? 1 रुपया 1 गुट्टी। अच्छा जी, ये देखें, ये काम इतना आसान भी नहीं है। ये जो 1 गुट्ठी के बांध रहे हैं ना, वो इसका 1 रुपया मजदूरी है, इसकी मजदूरी भी 1 रुपया है। और फिर इसके ऊपर जो खर्चा हुआ है, तकरीबन 8 मान इसी के एकड़ के ऊपर बीज लगा था और उसके बाद इसकी खादें और ये सारा कुछ। तो इस 1 एकड़ के अंदर मुनाफा कितना हुआ है मसला? 1 एकड़ के अंदर, हाँ जी, 1 एकड़ के अंदर तकरीबन कोई 50,000 मुनाफा है, मजदूरी निकाल के या मसला के सारे खर्चे निकाल के 50,000 मुनाफा हो जाएगा। आगे ये आगे से रेट बढ़ जाए जी जी। तो फिर यानी कि वो पूरा पूरा यानी कि प्रॉफिट आती है, या अगर आगे से रेट ना बढ़े तो फिर ये पूरा पूरा होता है। अच्छा, फिर पूरा पूरा होता है, ठीक है। तो किसान को इसका कितना को फायदा हो जाता है, जिसकी ये फसल है जिससे लिया, उसको कोई 1 लाख रुपए बच जाएगा, 2 लाख इंशाल्लाह? सही है, सही हो गया, ठीक है। जी व्यूअर्स, ये देखिएगा, ये आपके साथ अभी दोबारा से, ये देखें जी, इस तरीके से इसको बांध रहे हैं। ये इसको रंबी के साथ ये नीचे से निकालते हैं और साथ साथ ही इसको बांधते जाते हैं। ये सारा, ये देखिए, ये गार्लिक ही पड़ा हुआ है, अभी कच्ची हालत में है ये सारे का सारा। और इसी तरह से ये मार्केट के अंदर सेल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा पानी के साथ साफ करेंगे और ये सेल आउट हो जाएगा इसी तरीके से। ये देखें जी, ये स्टाफ माशाल्लाह सुबह से लगा हुआ है, वो बाबा और बैठा है, वो तकरीबन 60 साल से ये काम कर रहा है। ये देखें जी, ये माशाल्लाह भाई, ये नौजवान है, ये बाबा इसका कारोबार ये है, 60 साल से ये काम कर रहा है। ये कौन से बाबा जी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये देखें जी, ये सारा जो गार्लिक है ये पीछे बांध के, तो इसको गुठियों की शक्ल में रख दिया गया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह। ए भाई, सुबह कितने बजे काम पे लगे हो आके? 8 बजे
8 बजे पंजाबी च गल करिए कि उर्दू च? उर्दू में कीजिए सर। अच्छा ठीक है सर, तो सुबह 8 बजे लगे हैं। हाँ जी सर। तो छुट्टी कितने बजे होनी है सर जी? ये ठेके का काम होता है, कितने बजे मर्जी छुट्टी का। तो कितना आप ठेका यानी कि तसल्ली हो जाती, कितनी गुठियां बांधेंगे सर जी? 1200-1300। 1200-1300 बांधेंगे, सही। यानी कि 1200 से 1500 रुपया होते गए, तो आपने बाइक की चाबी लगानी और भाग जाना है। हाँ जी। ओ सही है, जबरदस्त हो गया, सही है। चलें जी, अल्लाह ताला आपके रिजक में खैर और बरकत डाले। आमीन। ये भी भाई माशाल्लाह जी, ये भी लगे हुए हैं काम पे। कितने बजे फ्री होंगे जी आज आप? 5 बजे। ये जी सुबह 8 बजे आते हैं और 5 बजे तक ये काम करते हैं, ताकि जो इनका टारगेट है वो मीट हो जाए और ये मार्केट के अंदर वो टाइमली जो इन्होंने ये लेसन को डिलीवर करना होता है ये डिलीवर हो जाए। ये देखें जी भी अच्छा है, बीच में कुछ दाने माशाल्लाह बहुत सेहतमंद हैं और कुछ ज़रा हल्के हैं। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? जुल्फकार। ये देखें जी जुल्फकार साहब के पीछे भी आपने ये गार्लिक देखा होगा, सब ने वैसे ही फेंका हुआ है अभी। ये देखें कितनी तरतीब के साथ माशाल्लाह रखा हुआ है इन्होंने। जुल्फकार साहब ज़रा डिसिप्लिन के बड़े पाबंद नज़र आ रहे हैं मुझे। ये देखें माशाल्लाह, जी माशाल्लाह यहाँ पे जो सबसे एक्सपीरियंस हैं ये बाबा मंशा साहब हैं। ये माशाल्लाह इनकी उम्र हो गई है कोई 70 साल और ये तकरीबन पिछले 40 साल से यही काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये बाकी जे जो बच्चे नज़र आ रहे हैं इनके हिसाब से ये इनको इन्होंने ट्रेन किया सारों को। ये देखें जी, ये है जिसके साथ इसको बांध रहे हैं। जी अभी आपके साथ शेयर करते हैं कि इसको वाश किस तरह से करना है और किस तरह से फिर इसको गाड़ी के अंदर लोड करेंगे और मार्केट के अंदर सेल आउट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये अभी आपको हम वहाँ पे हार्वेस्टिंग होते हुए दिखा रहे थे जहाँ पे इसके साथ कुछ मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन अभी ये देखें इसको अच्छी तरह से वाश किया जा रहा है। और ये देखिए, ये अब वाश करने के बाद बिल्कुल भी इसके साथ मिट्टी नहीं है और ये अब आगे इसको इस तरह से बांध के, तो ये देखें जी इस तरह से इसको वाश करते हैं। ये देखें इस तरह से वाश करते जाएंगे और इसको सेपरेट करते जाएंगे। और क्योंकि बांधा हमने इसको पहले ही हुआ है, लेकिन इसको अब पहले क्योंकि ये दो दो का पेड़ हमने जोड़ा हुआ है, लेकिन अब ये 100 का बंडल एक जो है उसको बंडल बनाया जाएगा, ताकि जो मार्केट की डिमांड है मार्केट में जिस तरह से सेल होना है उस तरीके से ये सेल हो। ये देखें जी, ये पानी के अंदर ये सारा पड़ा हुआ है अभी यहाँ पे कुछ जो है, और क्योंकि इसके साथ पानी में थोड़ी देर रखने से जो मिट्टी होगी वो नरम हो जाती है और फिर उसी वक्त उतर जाती है। जी भाई, ये बताएं किस तरह से आप बंडल बनाएंगे जो मार्केट के अंदर आपने सेल करना है? सही है। ये देखें जी, ये गिनती की जा रही है, इसकी काउंटिंग कर रहे हैं। ये 10 इन्होंने उस साइड पे रखे हैं और 10 का बंडल ये इस साइड से बना रहे हैं। ये मार्केट में बिल्कुल साफ हालत में आपने देना है जी? ये कितने हो गया? 25। ये 25 का छोटा पूला बनाया। अच्छा 25 का, यानी 50 है इसके अंदर? नहीं, अगर इसके अंदर ये जी ये जो छोटा पूला है ये 25 का बना है, 25 इसके अंदर 25 का पूला है। और इसी तरह से जो डिमांड होती है बाहर, अगर कोई 25 का कहता है तो 25 के हिसाब से, अगर कोई 100 का होता है तो 100 के हिसाब से। ये देखें ये भाई माशाल्लाह, इसको ये बंडल बन चुका है और इसी तरह ये मार्केट के अंदर लाहौर के अंदर या जहां से जो डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंगली वहां डिलीवर कर दिया जाएगा। 150 रुपए का जी ये सेल होगा 25 के हिसाब से, ये जो एक बंडल है। और
कि ये भाई हैं जो माशाल्लाह मार्केट के अंदर इसको सेल आउट करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके रिजक में खैर और बरकत डाले। और अभी ये हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, जिस गाड़ी के अंदर ये उसको लोड करके आगे लेके जाते हैं। ये जी गाड़ी खड़ी हुई है, इसके अंदर ये अभी इसको लोड करेंगे सारे को, और फिर मार्केट के अंदर इसको सेल आउट कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो गार्लिक के रेलिवेंट है पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस को इम्प्रूव तरीके से आप तक डिलीवर कर चुकें। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एंड पे प्रेस बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।